गाजीपुर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी सवारियों से भरी बस। बस में सवार थे करीब एक दर्जन लोग। सुहल थाना क्षेत्र के कालूपुर के पास हुआ हादसा। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर शहर से बारा क्षेत्र की ओर जा रही थी सवारियों से भरी बस। खबर गाजीपुर से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी है। हादसे में बस में सवार करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसा हमीद सेतु से आगे सुहल थाना क्षेत्र के कालूपुर गांव के पास हुआ है। इसे बस पलटी है, हम खोआ बेच के आते हैं परात ले लेबन, वही में हमार परात गुड़ सुर हो जाए। लोगों का कहना है कि हादसा पुल पार करने के बाद हुआ। यदि यह हादसा पुल पर होता तो बस सीधे गंगा नदी में गिर जाती। वहीं बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी प्राइवेट बस गाजीपुर शहर से बारा गांव की ओर जा रही थी। बस जब सुहल क्षेत्र के कालूपुर गांव के पास पहुंची, तब अचानक ड्राइवर बस पर से नियंत्रण खो बैठा। बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। लोहारपुर से आ रहे हैं, नेवता करके आ रहे हैं। बस कैसे पलटी? बस ड्राइवर कैसे चलाता रहा, ड्राइवर पलटा है। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए हैं? जितना में उतना सब घायल हो गया है, सबका चोट थोड़ा थोड़ा लगा है। दुर्घटना में बस में सवार करीब एक दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज वहाँ चल रहा है। हाँ, जैसे खबर आई है कि मेदिनीपुर के आसपास कोई बस पलटी है, वैसे इंजोर तो कोई सुने 10 से ज़्यादा लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक 6 आदमी आए हैं। अच्छा। वैसे सबका फर्स्ट एड किया है, कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं है जी, बस मस्कुलर पेन है, बोनर पेन है, किसी का फ्रैक्चर जो ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है। अगला कोई आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे।